इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टर इन सीरीज। तो दो रेसिस्टर ले लेता हूँ, एक रेसिस्टर है इसका नाम दे दिया R1, दूसरा रेसिस्टर इसका नाम दे दिया R2। इन दोनों को अगर मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है तो मुझे क्या करना है, एक एंड और इसका मतलब एक पहले का एक एंड और दूसरे का कोई एक एंड, उसको आपस में क्या कर देना, कनेक्ट कर देना है, ठीक। और ये हमारे अब जो R1 और R2 हैं ये दोनों हमारे सीरीज में कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पर मैं एक वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ, ठीक। तो मैंने एक यहाँ सेल लगा दिया, बैटरी क्या दो, ठीक है, एक से ज़्यादा सेल होने चाहिए खैर बैटरी के लिए। तो कोई वोल्टेज सोर्स है ये, तो यहाँ पर जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी V2, तो करंट फ्लो होगी ये इधर, तो इसका नाम दे दिया I। तो ये मैश बन गया इस तरह का, तो V=V1+V2, ठीक है। VR1 दे दो, VR2 दे दो, जो भी नामकरण करना है कर लो, पर बस वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो V=V1+V2, तो I की वैल्यू क्या हुई, I=V/R होती है एज पर ओम्स लॉ। अब यहाँ पर हमें अब ये देखना है कि जो ये वाला जो फार्मूला है, सही है, V=V1+V2, अब इसके अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज कर लेते हैं। तो V=V1+V2 और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V=, क्या होता है, RI, ठीक। तो V=RI होता है, और जो यहाँ पर V1 है तो V1 क्या हुआ, R1I हुआ, क्योंकि करंट तो जो हमारा सीरीज जो सर्किट है वो करंट सेम रहती है दोनों में, तो R1I, और V2 की वैल्यू क्या हुई, R2I, ये बना। तो अब इसको हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो V=RI, V1=R1I+V2=R2I, ठीक है। I को कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो R I=I R1+R2, तो यहाँ से I हमारा इधर से इधर कैंसिल हो गया, तो R= जो आया हमारा R1+R2। तो ये एक्सप्रेशन आया सीरीज के लिए, सीरीज रेसिस्टेंस के लिए, ठीक। अब सपोज करो R1 की वैल्यू है 1 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम, VQ की वैल्यू है 4 वोल्ट। तो अब जो वोल्टेज है V1 और V2 की वैल्यू, तो V1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, R1 की वैल्यू 1 ओम, ठीक। करंट तो हमें पता नहीं, तो पहले करंट पता कर लेते हैं। तो करंट के लिए सिंपल सा है, तो हमें चाहिए पहले तो ओवरऑल पूरा सर्किट का जो रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर मान लो दो टर्मिनल मैंने इसके लिए लिए बैटरी के, ए और बी, तो ए बी के अक्रॉस जो भी रेसिस्टेंस है पूरे सर्किट का, तो यहाँ पर ये कनेक्ट है सीरीज में, तो सीरीज का जो एक्सप्रेशन आया R1+R2, तो R की वैल्यू कितनी आई, तो R की वैल्यू आई =1+3=4 ओम, ऑलराइट। तो I जो हुई हमारी, ये जो करंट है I=V है हमारा 4 वोल्ट, और R की वैल्यू है हमारी 4 वोल्ट, सॉरी 4 ओम। तो ये 4, यहाँ पर मैं इसको 4 कर देता हूँ सीधा, R1+R2 है ना, ये जो एक्सप्रेशन आया इसको हमने अप्लाई किया यहाँ पर, तो ये बना हमारा 1 एम्पियर। तो I की वैल्यू 1 एम्पियर, तो वोल्टेज कितनी आई, तो वोल्टेज I की वैल्यू 1 एम्पियर, तो I1×1=1 वोल्ट, और इसकी वैल्यू 1×3=3 वोल्ट, ठीक है, =3 वोल्ट। तो यहाँ पर जो V2 है वो आया हमारा 3 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस, और V1 जो है वो हमारा आया 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये 1 वोल्ट और ये 3 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सिर्फ 1 वोल्ट है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा है, इस वजह से, क्योंकि करंट यहाँ पर सेम फ्लो हो रही है ना, इसमें भी सेम करंट है, इसमें भी सेम करंट है। तो जैसे जैसे रेसिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, उसके अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी अगर सीरीज में कनेक्ट है। तो ये वाला जो है, अब इसको देखते हैं, V हमारा 4 वोल्ट है, और V1 हमारा कितना है 1, और V2 कितना है 3, ये भी 4 वोल्ट, तो ये हमारा जो KVL है ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी पोलैरिटी के हिसाब से देख लो,
यहाँ पर ये प्लस पोलैरिटी है, इसकी माइनस पोलैरिटी है, तो ये जो सोर्स है और यहाँ पर ये क्या है, ये कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये एनर्जी को डिलीवर कर रहा है और ये एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसकी पोलैरिटी और इनकी पोलैरिटी सेम तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट जहाँ पर ये ओरिजिनेट होता है बैटरी सोर्स से, वो प्लस, और पर कंपोनेंट के केस में जो कंज्यूमिंग, जो पावर कंज्यूम करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं कंपोनेंट, उनमें जब करंट एंटर करता है जिस टर्मिनल पे, वो प्लस होता है, और जिससे वो लीव करता है उस कंपोनेंट को, वो माइनस। तो ये भी प्लस और ये भी माइनस, तो एल्जेब्रिकली अगर सम करोगे तो वी माइनस, तो यहाँ इसको लिया माइनस प्लस लेकर चलने, तो माइनस प्लस को हमने वी माना, तो प्लस माइनस वाला नेगेटिव हो गया, सही है। ये वी माइनस वी वन माइनस वी टू इक्वल्स टू, अब कोई बचा ही नहीं कंपोनेंट, जीरो। तो v की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये है हमारा KVL। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी आपको सोल्व करना है इसी तरह से। अब इसमें एक्सप्रेशन हमें निकालना था, अगर हम एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, तो प्रॉब्लम सपोज करो अब तीन रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, तीसरा रेजिस्टेंस ये, ठीक। तो इसको मान लेते हैं 1 ओम का, इसको मान लेते हैं 2 ओम का, इसको मान लेते हैं 3 ओम का, तो तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने कोई बैटरी सोर्स लगाए हुए हैं, तो जो हमारा पावर सोर्स है उसको हमने यहाँ पर 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो मान लो 6 वोल्ट मैंने यहाँ पर इसको दे रहा हूँ, तो करंट कितनी है सर्किट की ये पता कर लगाना है। तो सबसे पहले आपको इस पूरे जो सर्किट है, हमें क्या करना है, अब हमें इसकी जो वोल्टेज है, सही, तो पहले तो करंट पता करनी है, हमें पता करना है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है और इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। तो सबसे पहले आपको इस करंट का पता करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, ओम्स लॉ पे जाएंगे सीधा सीधा। तो तीन चीज़ हैं, KCL KVL और ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के तीन बन जाते हैं, उसको आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो I इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई आर, तो V है हमारी 6, तो R जो है हमारा सीरीज कॉन्फ़िगरेशन R1 प्लस R2 दो लगाए थे, तो तीसरा अगर आ गया है तो R3 हो जाएगा, प्लस R3, तो R इक्वल्स टू हमारा हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 6 ओम, और ये 6 एम्पियर, क्या बात हो रही है, 6 एम्पियर कहाँ से हो जाएगा, हाँ अभी तो V की वैल्यू रखी है, R की वैल्यू रखी ही नहीं, R की वैल्यू अभी यहाँ रखते हैं 6 ओम, अब इसको पुट कर दिया, ये 6 वोल्ट है, तो ये हमारा 1 एम्पियर आया, तो करंट आई 1 एम्पियर। अब V1 की वैल्यू, तो सीरीज में कॉमन करंट फ्लो होती है, तो V1 I कितना है 1 एम्पियर, 1 मल्टीप्लाई बाई, और जो रेसिस्टेंस है इस वाले रेजिस्टेंस का V1 जैसे के अक्रॉस है, तो R1 के अक्रॉस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3 वोल्टेज है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 1 वोल्ट। V2 कितना, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 2 वोल्ट, और V3 कितना, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 3 वोल्ट, और सम कर लो इनका KCL के KVL के अकॉर्डिंग, तो कितना हुआ V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जब सम करेंगे तो 6 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 वोल्ट, ठीक है, सेम आ रहा है। तो इस तरह आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब सपोज करो एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक सर्किट है और एक सर्किट ये है, इसके अक्रॉस इसमें वोल्ट दी हुई है, इसका रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, और रेसिस्टेंस की वैल्यू मान लो 2 ओम दी हुई है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 वो दी हुई है, ठीक है। तो वो उसकी वैल्यू सपोज करो 2 वोल्ट दी हुई है, यहाँ पर कोई बैटरी लगाई हुई है, ठीक। अब इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज आपको निकालनी है V2, इसके अक्रॉस तो दी हुई है V1, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस मान ले R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, ठीक, और यहाँ पर जो वोल्टेज दी हुई है, यहाँ सपोज करो यहाँ 6 वोल्ट दी हुई है,
तो तुम्हें आई की वैल्यू निकालनी है, इस आई की वैल्यू निकालनी है हमें, टोटल आई जो करंट फ्लो हो रहा है, वी टू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फिर आर टू की भी वैल्यू भी निकालनी है। तो अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आई निकालना है। तो आई देखो, अब जो हमारा जो सीरीज जो हमारा सर्किट है उसकी किसी भी आप उस पर देखोगे रेसिस्टर पे, तो सेम करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज पता है, आर पता है, हमें पता नहीं है करंट, तो इसके अंदर करंट क्या फ्लो हो रही है। तो जो करंट हमारी टोटल करंट है सीरीज में जो बैटरी से आ रही है, वही इसमें फ्लो हो रही है और वही सेम इसमें फ्लो हो रही है। तो आई की वैल्यू सिंपल सी क्या हो गई, आई इक्वल्स टू वी वन डिवाइड बाई आर वन। तो वी वन कितना है, टू, आर वन कितना है, टू, इक्वल्स टू वन एम्पियर। तो वन एम्पियर की ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक। अब यहाँ पर वोल्टेज वी टू निकालनी है, सही है, हमें वी टू पता हो जाए, आई पता हो जाए, आर निकाल लेंगे, सिंपल सा है। तो अब इसमें लगाओ, ठीक, इसमें क्या लगाना है, केवीएल। तो केवीएल लगाओगे तो वी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू, आपको ये पता है और ये वाली वोल्टेज पता है, इसको निकालना है। तो वी है 6, वी वन है 2, वी टू निकालना है। तो वी टू कितनी आई, 4 वोल्ट। तो अब आपको यहाँ पर कितना चीज़ पता चल गया, इसका इसका करंट पता चल गया आई, इसकी वी टू पता चल गई, आर टू निकालना है। तो आर टू निकालने के लिए आर इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई आई, तो आर टू इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई वी टू डिवाइड बाई आई। तो वी टू कितना हुआ, वी टू हमें निकल गया 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट इसको लिखो, आई की वैल्यू जो हमारी निकली ये 1 है, तो यहाँ पर आया हमारा 4 ओम, आर टू की वैल्यू ये आ गई। तो इस तरह से इसको सिंपली कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारे पास नोन है उनको देखो, फिर अननोन है उनको देखो, ठीक। उसके बाद जो फार्मूला है, तो सीरीज में केवीएल ये सिंपल सा लगाओ ये वाला, और ओम्स ला, तो तीनों वर्जन, v इक्वल्स टू आई आर, सही है, i इक्वल्स टू v डिवाइड बाई आर, आर इक्वल्स टू v डिवाइड बाई आई, और फिर उसमें देखो कैसे फिट करके निकालोगे। हाँ, अब कंपोनेंट वो तो देखो नॉर्मल तो है, पर जितने कंपोनेंट हैं उसके हिसाब से नामकरण कर देना सबका। तो यहाँ पर ओम्स लॉ में अगर आई की वैल्यू है तो वी वन डिवाइड बाई आर वन, यहाँ पर आई की वैल्यू है वी टू डिवाइड बाई आर टू, ठीक। और ओवरऑल पूरे सर्किट की है, तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूँ, ठीक, जैसे कि हमने इसका रेजिस्टेंस निकाला, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसको मर्ज कर दिया। अब यहाँ पर 6 वोल्ट लगा देते हैं, तो जो आर है टोटल सीरीज रेजिस्टेंस आर, ये सीरीज रेजिस्टेंस आर हो गया। तो आर क्या है यहाँ पर, आर वन प्लस आर टू, दोनों को मर्ज कर दिया, तो बस इससे आपको आई निकलेगा, ठीक है। पर वो जब निकलेगा जब आर टू पता हो, ठीक है, या जैसे मैंने यहाँ पर निकाला, ठीक है ना। तो इस तरह से इस सर्किट को मॉडिफाई भी करना आना चाहिए, ठीक, तो वो सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पर ये 6 वोल्ट, तो जैसे मैंने ऊपर वाला जो है हमारा, इसमें हमें आई निकालना था, ठीक है, तो इसको हम मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इनका रेजिस्टेंस पता था, ठीक है, करंट नहीं पता था, करंट निकालना था। तो इसको जब आर निकाला, तो हमने बेसिकली क्या किया, ये जो आर निकाला बेसिकली हमने इनको क्या किया, मर्ज किया। तो सर्किट ये इस तरह का बन गया। तो यहाँ पर 6 ओम सारे सीरीज में है, और यहाँ पर सिर्फ बैटरी 6 वोल्ट की, दो बैटरी हैं, दो सेल हैं और एक बैटरी है, दो सेल से मिलकर बैटरी बनी है, मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई, सिंपल आई इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई आर, ठीक है ना, बस इस तरह कर सकते हैं। चलिए इसको यहीं रोकता हूँ।